किसी ने क्या खूब कहा है कि डर होना जरूरी है, लेकिन निडर होना उससे भी जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी का जो शीर्षक है, कहानी निडरता की। तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी के बचपन की कहानी पर आधारित है ये प्रेरक प्रसंग। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की कहानी। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर थे। जब वह लगभग 8 साल के थे, तभी से अपने एक मित्र के यहाँ खेलने जाया करते थे। उस मित्र के घर में एक चंपक पेड़ लगा हुआ था। वह स्वामी जी का पसंदीदा पेड़ था और उन्हें उस पर लटक कर खेलना बहुत प्रिय था। रोज की तरह एक दिन वह उसी पेड़ को पकड़कर झूल रहे थे कि तभी मित्र के दादाजी उनके पास पहुंचे। उन्हें डर था कि कहीं स्वामी जी उस पर से गिर ना जाए या कहीं पेड़ की डाल ही न टूट जाए, इसलिए उन्होंने स्वामी जी को समझाते हुए कहा, नरेंद्र, स्वामी जी के बचपन का नाम था, तुम इस पेड़ से दूर रहो, अब दोबारा इस पर मत चढ़ना। नरेंद्र ने पूछा, क्यों? क्योंकि इस पेड़ पर एक ब्रह्म दैत रहता है। वो रात में सफेद कपड़े पहने घूमता है और देखने में बड़ा ही भयानक है, दादाजी उत्तर दिए। नरेंद्र को यह सब सुनकर थोड़ा अचरज हुआ। उसने दादाजी से दैत्य के बारे में और भी कुछ बताने का आग्रह किया। दादाजी बोले, वह पेड़ पर चढ़ने वालों को लोगों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र ने यह सब ध्यान से सुना और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। दादाजी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बच्चा डर गया है, पर जैसे ही वे कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र पुनः पेड़ पर चढ़ गया और डाल पर झूलने लगा। यह देख मित्र जोर से चीखा, अरे तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, वो दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। बालक नरेंद्र जोर से हंसा और बोला, मित्र डरो मत, तुम भी कितने भोले हो, सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुमसे कुछ कहा और उस पर यकीन मत करो। खुद ही सोचो, अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन कब की टूट चुकी होती। सचमुच स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही निडर और तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी थे। तो दोस्तों, इस प्रेरक प्रसंग से सीखने को मिलता है कि विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए, कोई भी बात पर अमल करने से पहले। बाकी जो बच्चे बचपन में इस तरह की सोच रखते हैं, भविष्य में वो ऊंचाइयों को छूते हैं। इसीलिए आगे बढ़ते रहने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।